कोड को काट देना भाई, ठीक है ना। होता क्या है एक्चुअल में, लिथियम की सबसे ज़्यादा, फिर सीजियम की, फिर आरबी की, फिर पोटेशियम की, और फिर सोडियम की। तुम्हारी बुक में तो ये भी गलत दे रखा है, तो समझ, ध्यान देना, तुम्हारी बुक में गलत है। यहाँ पर मेरे को आके मत बोलना कहीं कि सर आपने गलत बता दिया, ये तो सही है बुक में और गलत दे रखा है। CBH की जो बुक है उसके अंदर इस ऑर्डर को भी गलत दे रखा है, वो भी गलत है, ये होगा। और क्यों होगा, ये पूछता भी एग्ज़ाम में कि लिथियम की जो रिड्यूसिंग पावर है वो सीजियम से मैक्सिमम क्यों होती है, तो वो वहाँ पे आप बस एक लाइन बोल देना कि इसका जो आईपी है, ये सॉरी लिथियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है हाइड्रेशन, क्योंकि ध्यान देना ये जो तुम बात करते हो किसकी, कंडक्टिविटी की, तो ये अपन किस में करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही तो इन इलेक्ट्रॉनों को, ये इलेक्ट्रॉन किस में, मतलब ये जो तुम्हारे मेटल है वो किस में चेंज होगी, आयनों में चेंज होगी, यस या नो। और वहाँ पर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है, इस वजह से इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, ये होगा लिथियम की रिड्यूसिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर तो ऑर्डर सही रहेगा, यहाँ सेकंड ए की बात करें ना तो ऑर्डर ये ही रहेगा, बी ए एस आर सी ए एम जी और बी ई, ये ऑर्डर राइट है प्यारे बच्चों। ये तुम्हारी कौन हो गई, अपचयन समता कंप्लीट हो गई। कौन कंप्लीट हो गई, अपचयन समता। तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप लिथियम और सीजियम के केस में, यहां पर लिखा जा सकता है कि लिथियम हैव हाई रिड्यूसिंग पावर, लिथियम हैव हाई रिड्यूसिंग पावर पावर देन द सीजियम, देन द सीजियम बिकॉज लिथियम हैव मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी देन दा सीजी। आ गई ये बात समझ, यस या नो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग पावर भी कंप्लीट हो चुका है, पूरा डिटेल में समझाया है। आप थोड़ा सा बस एक बात समझ लेना कि जिसको साइज और आईपी समझ में आ गए ना, फिर ये सारे सोल्व हो जाएंगे, कोई खास इनमें है नहीं कुछ भी, यस या नो। आगे बात समझ, तो ये बना लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ तो बच्चों अपन ने अपचयन समता पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे, मतलब रिड्यूसिंग पावर आप लोगों के कंप्लीट हो चुकी थी, आज हम बात करेंगे किसकी, अच्छा टॉपिक है वो कौन है, कंडक्टिविटी। प्यारे बच्चों कौन है, कंडक्टिविटी, तो आप मेंशन कीजिए कंडक्टिविटी, चालकता, कंडक्टिविटी। एक सेकेंड, अभी इंक डाली है तो थोड़ी देर में, कंडक्टिविटी चालकता भाई, चालकता का पूरा रोल समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी, फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ करंट। अच्छा ये जो करंट आता है, ये जो कंडक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ करंट। ये जो करंट आता है वो किसकी वजह से आता है, या तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की वजह से आता है, या मोशन ऑफ आयन, आयनों की गतिशीलता के कारण होता है।
और इस गतिशीलता को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। यस या नो? आगे क्या बात हो? और ये जो कंडक्टिविटी देखी जाती है वो देखी किस में जाती है? ये कंडक्टिविटी देखी जाती है किस में? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और जब एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जो धारा का प्रवाह होगा वो धारा का प्रवाह किसकी वजह से होगा? आयनों की गतिशीलता के कारण होगा। बात को समझना, इनके ऊपर इतना जाना मत। क्या बोलूंगा कि जो कंडक्टिविटी होगी वो किसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं? एक्वस सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। एक्वस सॉल्यूशन में जो धारा का प्रवाह होगा, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? सीधा सा, कंडक्टिविटी का प्रवाह, धारा का प्रवाह का मतलब क्या है? मतलब चालकता का मतलब क्या है? धारा का प्रवाह। और धारा का प्रवाह है कि पर किस में बात कर रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन में। और एक्वस सॉल्यूशन में हम बात करेंगे तो बात करेंगे आयनों की गतिशीलता या मोबिलिटी की वजह से धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। और धारा का प्रवाह होगा तो क्या है? तुम्हारी कंडक्टिविटी क्या होगी? जनरेट होगी। बात समझ में आ गई? कंडक्टिविटी क्या होगी? जनरेट होगी। यस या नो? अब ये जो तुम्हारे पास में मोशन ऑफ आयन है, बातों को समझना। देखो डिटेल में मैं समझा रहा हूं उन चीजों को, डिटेल में समझना। ये जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से जनरेट होती है? भैया देखो, देख किस में रहे हो? एक्वस सॉल्यूशन में। तो किसकी वजह से? मोशन ऑफ आयन की वजह से। आयनों की गतिशीलता के कारण कंडक्टिविटी जनरेट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी? फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट धारा का प्रवाह क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। और ये किसकी वजह से जनरेट होती है? मोशन ऑफ आयन। और ये जो आयनों का मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है तुम्हारे हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर? हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर। और ये हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज के ऊपर। और ये कहा जाता है कि साइज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। साइज इंक्रीज हो जाए ना तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, जिससे मोशन ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, जिससे चालकता भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अरे बात को समझो प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी? ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? तो ध्यान देना कि जब तुम्हारे पास में ये मेटल होता है और इस मेटल को किस में रखा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब इसको रखा जाता है तो क्या होगा भाई? इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो मेटल है, इस मेटल और मेटल जो तुम्हारे पास में एक्वस सॉल्यूशन मान लीजिए H2 है, तो इस H2O और इस मेटल, अब देखो ये मेटल क्या करेगी? M+ में कन्वर्ट होगी। तो मेटल और इस सोलवेंट के बीच में अट्रैक्शन होगा और इस अट्रैक्शन से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जिसे क्या बोलोगे आप? हाइड्रेशन एनर्जी। डिटेल में समझाऊंगा मैं इसको। तो ये कहा जाता है कि तुम्हारी साइज जितनी ज्यादा होगी, आकार जितना तुम्हारा ज्यादा होगा, तो ये जो तुम्हारा मेटल है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो तुम्हारे पास में डेंसिटी है, ये जो चार्ज डेंसिटी है, ये जो आवेश घनत्व है, वो क्या होगा? दूर दूर होगा, कम होगा यहाँ पर साइज। तो बात को समझना कि नीचे आकार ज़्यादा है तो इसके चारों ओर जो H2 मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होंगे, इसका जो स्पेयर बनेगा वो दूर दूर बनेगा, जिससे क्या करेगा? ये जो मोशन हम कर पा रहे हैं, बात को समझना, जैसे मैं ये मोशन कर रहा हूँ, मेरा ये जो मोशन हो रहा है, मुझे आप आयन मान लीजिए, और आयन मानने के बाद मेरा ये जो मोशन हो रहा है वो क्या है? बड़े अच्छे से हो रहा है, क्योंकि मेरे चारों तरफ जो मॉलिक्यूल, जो सॉल्वेंट है, वो क्या है? दूर दूर है। लेकिन जैसे जैसे साइज क्या होती है? कम होती है, तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और ये जो तुम्हारे पास में एक्वस सॉल्यूशन है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो क्या करेंगे? ज़्यादा बाइंड कर देंगे इनको। तो यहाँ पर जो तुम्हारा मोशन होगा वो कम होगा, और जब मोशन ही कम होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी।
तो ये बात समझ में आ गई होगी, साइज इंक्रीज होने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो मोशन ऑफ आयन इंक्रीज होंगे जिससे कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसको देखिए अब लिखते हैं भैया, लिखिए कंडक्टिविटी मीन्स फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टिविटी मीन्स फ्लो ऑफ करंट, चालकता का मतलब धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है चालकता कहलाती है। एक बार तो इसको मेंशन कीजिए, धारा का प्रवाह है चालकता कहलाती है। फिर लिखिए इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्टिविटी जनरेट ड्यू टू द मोशन ऑफ आयन जलीय विलयन में चालकता आयनों की गतिशीलता के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर क्या बोलोगे, जलीय विलयन में चालकता आयनों की गतिशीलता के कारण उत्पन्न होती है, मोशन ऑफ आयन डिपेंड्स अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी, क्या बोलोगे, आयनों की गतिशीलता जलयोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है, और टिपिकल बनाओ इस बात को, टिपिकल नहीं सरल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज जलयोजन ऊर्जा आकार पर निर्भर करती है जलयोजन ऊर्जा आकार पर निर्भर करती है। आई बात समझ, इतना बना लीजिए, फिर देखते हैं इसके ऊपर बात करते हैं।
चले आगे, बना लिया होगा यहां तक। चलो तो भैया आगे चलिए। बना लिया होगा यहाँ तक। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैंने जो सारी चीज़ें बोली हैं कि ये जो तुम्हारे पास में हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना, वो हाइड्रेशन एनर्जी जो जल योजन ऊर्जा होती है, वो साइज के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। साइज इंक्रीज होने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आई वॉज साइज इंक्रीज होने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और जो तुम्हारे पास में मोशन ऑफ आयन है ना, क्या होगा, बातों को समझना। देखो, साइज इंक्रीज होने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मोशन, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो मोशन ऑफ आयन इंक्रीज होंगे, तो इसका मतलब ये मोशन ऑफ आयन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो साइज यदि इंक्रीज हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होने पर मोशन ऑफ आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारे कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर, मोशन ऑफ आयन के। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर, मोशन ऑफ आयन के। ये बात है। इससे अभी अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर जो जैसे तुम्हारे पास में भैया फर्स्ट ए है, कौन है फर्स्ट ए में, तो देखिए कंडक्टिविटी का यदि मुझे ऑर्डर लिखना हो तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर इधर देखिए भैया, इधर चलने पर तुम्हारे पास में, सीधी सी बात करूँ, बात को समझना, कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या, देखो भैया यदि तुम्हारे पास में साइज इंक्रीज हो, बात को समझना, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ डिक्रीज हो रही है तो मोशन ऑफ आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज है रही तो मोशन ऑफ आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और मोशन ऑफ आयन इंक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं ये कह दूँ क्या, डायरेक्ट यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकाल दूँ क्या, ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, कि साइज इंक्रीज होने पर कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होने पर तुम्हारी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ से यही तो कॉन्सेप्ट निकाला। तो हम यह कहा क्या बोलेंगे, यहाँ जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी जो होगी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी इसमें। और ये सेकंड ए, इधर चलने पर भी देखिए कंडक्टिविटी ये क्या होगी भैया, कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी इधर चलने पर। बना लीजिए एक बार इसको। कंडक्टिविटी के बाद में एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण। कंडक्टिविटी सबने बना ली होगी। अब देखिए फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण,
फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण, किसके ऊपर बात करेंगे भैया? फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण, इसको थोड़ा समझना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है कि तुम क्या करते हो, एक प्लेटिनम वायर के ऊपर इन मेटल को लेकर यदि बुनसेन फ्लेम के साथ में टेस्ट करते हो तो तुम्हारे ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं ना, ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, कलर देते हैं। और ये जो कलर है इसका रीजन क्यों क्या हो सकता है, तो ये क्या करते हैं कि इनमें ये जो मेटल है ये क्या करते हैं, बुनसेन फ्लेम में अपनी जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो क्या करेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से किस में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। लेकिन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते वक्त ये क्या करते हैं, डिफरेंट एनर्जी की रेडिएशन का क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। और जब ये वापस आते हैं तो विजिबल रीजन में इसका क्या कर देते हैं, इसको रिलीज कर देते हैं एनर्जी को, जिससे तुम्हारे को क्या है, कर क्या दिखाई देता है, ये कलर दिखाई देता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो सारे के सारे जो एल्कली मेटल है, जो क्षारीय धातु है, वो क्या करती है, रंग प्रदर्शित करते हैं। परंतु सभी क्षारीय मृदा धातु रंग प्रदर्शित नहीं करती है, उसमें जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है वो रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं। और वो रंग प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनका आयनन विभव क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल सो कलर विद बुनसेन फ्लेम। एल्कली मेटल एंड दोनों की ऊपर बात करेंगे, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल सो कलर विथ बुनसेन फ्लेम। छारे धातु है, छारे मर्दा धातु बुनसेन ज्वाला के साथ रंग प्रदर्शित करती है, छारी धातु है, छारी मर्दा धातु बुनसेन ज्वाला के साथ रंग प्रदर्शित करती है। रंग प्रदर्शित करते हैं। छारे धातु है, छारे मर्दा धातु बुनसेन ज्वाला के साथ रंग प्रदर्शित करती है। आगे क्या लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ बुनसेन फ्लेम, इन द प्रेजेंस ऑफ बुनसेन फ्लेम आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एक्साइटेड एंड goes in higher energy level and when it comes lower
एनर्जी लेवल देन then different energy radiation different energy radiation release invisible region in visible region and show color and show color क्या बोलेगी अपन बुनसेन ज्वाला की उपस्थिति में धातु के बाह्यतम कोष में उपस्थित धातु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं बुनसेन ज्वाला की उपस्थिति में धातु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तथा जब ये पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अलग अलग ऊर्जाओं के विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं जिससे ये रंगीन दिखाई देते हैं। ये लो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे लिख लीजिए एक बार दोनों मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए इसको लिखिए भैया फटाफट
लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका। और एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, व्हेन एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, यार एक तो ये पेन बंद हो जाते हैं, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, लिथियम व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ बुनसेन फ्लेम, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ बुनसेन फ्लेम, देन देन goes goes in 2p orbital, 2p orbital, या और क्या लिख सकते हो, फ्लेम देन goes 2p orbital, and when it comes 2s orbital, 2s orbital, then different energy radiation, different energy radiation, energy radiation release invisible region and so रेड कलर, कौन सा कलर देते हैं ये, रेड कलर देंगे। क्या बोलोगे, जब यह लिथियम के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिथियम के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बुनसेन ज्वाला की उपस्थिति में, ज्वाला की उपस्थिति में उत्तेजित होकर 2s कक्षक से 2p कक्षक में चले जाते हैं, 2p कक्षक में चले जाते हैं, तथा जब यह 2p कक्षक से 2s कक्षक में आते हैं, 2s कक्षक में आते हैं, तो 2s कक्षक में आते हैं तो विभिन्न ऊर्जाओं की विकिरणों का दृश्य क्षेत्र में उत्सर्जन करते हैं तथा लाल रंग प्रदर्शित करते हैं। विकिरणों का दृश्य उत्सर्जन करती है, आते हैं, करते हैं, चलो लाल रंग प्रदर्शित, तथा लाल रंग प्रदर्शित होता है। याद तक बना लो, ये बना लीजिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने बना लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं।
ये हमें क्या बताना चाह रहा है वो समझिए कि ये तुम्हारे पास में लिथियम है। इस लिथियम का विन्यास क्या होता है 1s2 और 2s में, 2s में। तो ये जो तुम्हारे पास में है ये कौन है, इसे क्या बोलेंगे, इसका संयोजी कोश, इसे क्या बोलेंगे, संयोजी कोश, क्या बोलेंगे, संयोजी कोश या वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, ठीक है ना। अब इसका हायर कौन होगा, ये टोपी, इसके बाद में कौन आता है, टोपी तो आता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने बना लिया होगा तो इसे भी मिटा देता हूँ। तो एक्चुअल में क्या होगा, इसका हायर एनर्जी लेवल, तो जैसे ये 2s है, ये लिथियम का 2s है, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2s है, इसे अपन क्या बोलेंगे, लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। अब ये जो एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होने के बाद में ये क्या करेगा, बात को समझना, ये एक्साइटेड हो गया और इसे क्या बोलेंगे, एक्साइटेड या हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड एनर्जी लेवल, और ये जो लेवल होता है इसे क्या बोलेंगे भैया, ये तो देख लेना, ये 2s है तुम्हारे पास में और ये कौन है, 2p, ये 2p है। तो ये एक्साइटेड होगा, तो एक्साइटेड होगा तो ध्यान देना, अब ये क्या करेगा, एक्साइटेड होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, यहीं तो जाएगा, आगे के पास समझ, यहीं पे तो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा आप लोगों को, यहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये वापिस ध्यान देना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये तो एक्साइटेड होकर तो वहाँ चला गया, लेकिन ये फिर से यदि कहाँ आ जाए तुम्हारे पास, इसमें यहाँ आ जाए, तो यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेड कलर देगा। ये तरंग धैर्य किसकी, यहाँ पर ये जो लिथियम है वो कौन सा कलर देगा हमें, रेड कलर देगा यहाँ से, ये थोड़ा ध्यान, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद में देखते हैं कौन कैसा कलर देता है, कलर कैसे कैसे देते हैं इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक बार फटाफट इसको बना लो, बनाओ एक बार इसका, फिर देखते हैं अपन कलर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बना लिया होगा सब, तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे, फर्स्ट ए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ए की, तो मैं जो जो कलर आप लोगों को बता रहा हूँ वो याद करना है आपको। इसका कलर होता है लाल कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, इसका पीला कलर होता है, पूछ लेता है एग्जाम में कलरिंग, इसका बैंगनी कलर होता है, कौन से कलर का होता है, वॉलेट कलर का होता है, वॉलेट की स्पेलिंग गलत लिखती है हमने, ये लाल बैंगनी रंग का होता है, रेड वॉलेट कलर का होता है, और ये आसमानी रंग का होता है, नीले रंग का होता है, नीला रंग होगा इसका, ब्लू, ठीक है ना, आसमानी रंग।
ये बना लीजिए मेरा, ये फर्स्ट एक एक कलर बना लीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं अपन किसकी सेकंड ए की। ये फर्स्ट ए बना लीजिए, फिर बात करेंगे किसकी सेकंड ए के कलर की। ये क्या होंगे, रंगहीन है और ये भी रंगहीन है, यही पूछ लेता है एग्जाम में कौन कलरलेस है दो, वो यही पूछ लेगा एग्जाम में कि उन दो एस ब्लॉक तत्वों के नाम बताइए जो ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम याद करना ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस कलरलेस। इसका जो कलर होगा वो होगा ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल। इसका कलर होता है क्रिमजन रेड, क्रिमजन रेड, खून जैसा लाल, खून जैसा लाल। और इसका कलर होता है एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन। अभी आएगी बच्चों, प्यारे बच्चों, एक तो तुमने एप्पल देखी होगी, जो तुम्हारी एप्पल होती है खाने वाली प्यारे बच्चों, उसमें देखो कि अभी जो आ रही है ना एप्पल, वो आ रही है तुम्हारी बिल्कुल रेड कलर की आएगी। कौन से कलर की आएगी, रेड कलर की आएगी। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आएगी ना, फिर देखना यहाँ की, जिसे हमने सुना भी है कि ऐसे बोला जाता है कि ये क्या है यहाँ, मतलब देसी सेब है, मतलब यहीं आसपास उनकी खेती होगी होगी, तो वो देखो आप लोगों को लगेगा कि वो जो एप्पल दिखेगी वो ग्रीन टाइप एप्पल दिखेगी, उस टाइप उसका क्या होगा कलर होगा, तो वो कैसी होगी, एप्पल ग्रीन होगी। इनका कलर तो ये कलर मेंशन कर लेना भैया, ये कलर लिख लेना, और ये बात भी लिख लेना कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नॉट गिव्स फ्लेम टेस्ट। बेरिलियम व मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, फ्लेम टेस्ट ड्यू टू द हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं देते हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव का मान अधिक होता है। प्यारे बच्चों, आयनन विभव का मान अधिक होता है, बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? तो ये बना लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बात तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ भी गई होगी, तो बनाइए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप बना लेना, और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।